को लेकर सवाल है, लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से परकोटे को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शुमार किया गया, उससे उत्साह भी है। ट्रेवल ट्रेड में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। गुलाबी नगरी की सफलता का लाभ गोल्डन ट्रायंगल सर्किट को भी मिलेगा और ट्रेवल ट्रेड को 100 अरब रुपए से ज्यादा का बूस्ट मिलेगा। जयपुर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल करने से इन दिनों ट्रैवल ट्रेड को पंख लगे हुए हैं। हर किसी की जुबान पर सिर्फ पर्यटन को लेकर ही चर्चा हो रही है। पिछले 2 दिनों में ही जयपुर को कई वेबसाइट पर 10 करोड़ से ज्यादा बार सर्च किया गया है। ट्रैवल ट्रेड से जुड़े लोगों का कहना है कि वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के तौर पर अब जयपुर का जोरदार विकास होगा, पर्यटन सुविधाओं को अत्याधुनिक बनाया जाएगा, सैलानियों की आमद में जोरदार वृद्धि होगी। कि हम लोग जंतर मंतर में हैं, जो 2010 से ये जो साइट है वर्ल्ड हेरिटेज है, और 2010 से जब ये वर्ल्ड हेरिटेज घोषित हुआ उसके बाद में काफ़ी टूरिस्ट बढ़े हैं और ये जो सरकार ने अथक प्रयास किए उसी का नतीजा है। और 2 दिन पहले ही जयपुर जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। इससे आने वाले समय में पर्यटन के क्षेत्र में बहुत ही रोजगार बढ़ेंगे और बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं जयपुर वासियों को शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। ये आने वाले समय में बहुत से लोगों को रोजगार प्राप्त होगा और जो विश्व मानचित्र है उसमें जो जयपुर है वो जाना जाएगा, और जो कम समय के लिए टूरिस्ट आते हैं दिल्ली जयपुर आगरा, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। और हम लोग पिछले कई सालों से इसके लिए प्रयासरत थे, लेकिन जो सरकार ने काम किया बहुत ही अच्छी बात है। जयपुर शहर को जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल किया गया, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, और जब पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आगे स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट आ रहा है उसके अंदर एक पर्यटन के लिए एक अलग से नीति बनाई जाए और जो बजट है हमारा वो बढ़ाया जाए, और फेयर फेस्टिवल की जो मार्केटिंग है वो थोड़ी कमजोर हो रही है, तो उसको इस तरीके से करा जाए पब्लिश कि और भी पर्यटक बढ़े। जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के तौर पर चुने जाने के बाद पर्यटन उद्योग को नई आस बंधी है। प्रदेश में स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत पिछले 4 सालों में 400 करोड़ से ज्यादा के कार्य हुए हैं। स्मारकों पर अब पहले से ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। पर्यटकों की सुरक्षा की दिशा में बेहतर कार्य हुए हैं और अब यूनेस्को द्वारा जयपुर को विश्व मानचित्र पर विश्व विरासत के तौर पर चुने जाने से हालात तेजी से बदलेंगे। पहले से ही आमेर और जंतर मंतर विश्व विरासत में शुमार है। जो सम्मान आज हमें मिला है वर्ल्ड मैप में वो हमेशा बरकरार रहे, और उसको बरकरार रखने के लिए आई रिक्वेस्ट टू ऑल द जयपुर गाइस, जो लोग आज इस उत्साह में अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं वो इस जयपुर के उत्साह को बरकरार रखने के अंदर भी अपना पूर्ण सहयोग दें, क्योंकि आने वाली बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो परकोटा हो या फिर पर्यटन को लेके, वो सभी समस्याओं से हम सभी जयपुरवासियों को निपटना होगा और 100% अपना योगदान देना पड़ेगा। दरअसल 10 जुलाई को प्रदेश का बजट भी आने वाला है। बजट से ठीक पहले यूनेस्को द्वारा जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के तौर पर चुनने के बाद अब सरकार भी बजट में पर्यटन पर विशेष फोकस करेगी। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि सितंबर में शुरू होने वाले अगले सत्र से राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश का पर्यटन नई उम्मीद के साथ शुरुआत करेगा, जो पर्यटन को फायदा पुख्ता करने में बेहतर साबित होगा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।